हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम आपको एलसीएम निकालने की सबसे फास्टेस्ट ट्रिक बताएंगे। आपने बचपन में ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा होगा, तो वो भी हम आपको एक बार बता देंगे, लेकिन जो 2 सेकंड में आप एलसीएम कोई भी वैल्यूज दी गई हो उनका आप फाइंड कर सकते हो। तो सपोज 36 36 और 45 हमारी दो वैल्यूज हैं, ठीक। इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आपका जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो क्या होता था कि 36 को पहले हम इसके फैक्टर्स लिखते थे, 2 × 2 × 3 × 3, और इसके 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 3 × 5। तो जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं हम उनको लिख लेते हैं, तो 2² × 3² × 5, ये हमारा एलसीएम होता था। तितिर का 9, दुदूनी 4 और ये 5, 5 × 20 और 9, दैट इज 180। इस तरह से निकालते थे। बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे देखते हैं। 36 और 45, तो सबसे पहले 36 क्या 45 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर जाए। तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 से काट देंगे, 9 × 36, 9 × 45, और ये 9 साइड में लिख देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया हमारा 180 आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। 36 और 45 ये हमने कर लिया कि इसका जो भी फैक्टर कट रहे हैं वो हम काट देंगे और फिर एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन है 106 और 159। अब इसमें 106 क्या इसको डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है कि मे बी ये दोनों आपस में को प्राइम हो। अब इसको कैसे चेक करें? तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना उसको हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 106 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 53, है ना। क्या 2 इससे जा रहा है? नहीं जा रहा। 53 हाईएस्ट देखते हैं, 53 जा रहा है, हाँ ये कट रहा है 53 से 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 53 साइड में लिखा, 53 टू जा और 53 थ्री जा, फिर 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 53 × 6 हमारा आंसर। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 30 और 1 = 31, 318 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करोगे। अब नेक्स्ट, ये 3 वैल्यूज का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो 20, 36 एंड 45, 20, 36 एंड 45। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है जो कट रहा हो। सबसे पहले तीनों में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट काट रहा हो, तो 9 है जो इन दोनों को कट कर रहा है, तो 9 से करके देखते हैं। 9 × 36, 9 × 45, 9 साइड में लिख दिया, 20 एज इट इज उतार दिया। अब ये तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है तीनों का एलसीएम, 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारा हो गया आंसर 180, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये फर्स्ट था, सेकंड 56, 84 एंड 112, 56, 84 एंड 112। इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है जो कट कर रहा है। तो 14 से जा रहा है ना ये, 14 × 56, 14 × 84 और 14 × 8 = 112। अब ये 2 से भी कट रहा है, 14 साइड में लिख दिया, 2 से भी कट रहा है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 8 मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे कट काटते हैं वो साइड में मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लिखते जाते हैं। फिर इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 और 3 का एलसीएम 12,
ट्वेल्व, तो मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व, तो ये आ गया 28 इंटू 12, 12 अट्ठे 96, 9, 12 दूनी 24, 24 दस 34, 1 33, तो ये 336 हमारा आंसर हो गया। अब ये थर्ड वाला आप होमवर्क करोगे, ठीक है। फिर ये चार वैल्यूज का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 26, 56, 104 और 182। अब ये चारों डिजिट किसी ऐसे नंबर से कट रही हैं जो मैक्सिमम नंबर हो, वैसे तो 2 से कट रहा है, बट 2 काफी स्मॉल नंबर हो जाएगा। और देखते हैं 13 से कट रहे हैं ये तीनों डिजिट, है ना, तो क्या करेंगे, 13 हम साइड में लिख लिया, 13 दूनी 26, ये नहीं कट रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 13, 13 अट्ठे 104, और ये 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो ये 13 से कट गया। अब इन ये 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 2 सत्ते 14, 2 से कटा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, 28 और 4 का एलसीएम 28, फिर 28 और 7 का 28, 28 आया, मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये कितना हो गया, 26 इंटू 28। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना आता है ट्रिक मेथड से, यूनिटरी डिजिट 8 छंग 48, 4 कैरी, फिर 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 7 8, 28, 28 प्लस 4 32, 2 कैरी 3, फिर 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 28 हमारा आंसर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 56 60, 56 60, 84 और 96, इसका एलसीएम कैसे देखेंगे, कि ये 12 से जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज 12 से कट रही है, तो 12 पंचे 7, 12 सत्ते 84 एंड 12 अट्ठे 96, 12 साइड में लिख लिया, मल्टीप्लाई 56 एज इट इज उतार लिया। अब ये तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 56, तो 56 आ रहा है, तो ये 56 हो गया, 56, और ये 5 हमारा लेफ्ट हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आया, 60 इंटू 56, तो ये 0, छकना का 36, 6 पंचे 30, 3 33, 3360 हमारा आंसर। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है, थैंक यू।